रायसेन सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता नहीम खान की स्पेशल स्टोरी। 2 साल की गारंटी 2 दिन में फेल। 2 साल की गारंटी 2 दिन में फेल। आपको सड़कों बनाने और उखड़ने के बारे में तो बहुत बार देखा और सुना होगा, मगर हम आपको आज ऐसी सड़क के बारे में बताने जा रहे हैं जो आगे बन रही है और पीछे से उखड़ती जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तानगंज क्षेत्र के ग्राम कमरोरा के थावरी घाट तक बनने वाली लगभग 4 किलोमीटर की इस सड़क को, जिसकी लागत लगभग 54 लाख रुपए ठेकेदार द्वारा इस सड़क को वर्ष 2013 में पूर्ण करना था, मगर शायद इस सड़क का दुर्भाग्य यह है कि 2019 शुरू होते ही पूरी नहीं हो पाई। और वही इस क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप है, इस सड़क में घटिया निर्माण किया जा रहा है। सड़क का आलम यह है कि सड़क आगे से तो बनाई जा रही है, पीछे से उखड़ती जा रही है। कहीं सड़क में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप तो यह भी है कि सड़क बनाने से पहले इसमें बेस नहीं डाला गया, सिर्फ ऊपर से डामरीकरण किया जा रहा है जमीन पर। वहीं ठेकेदार द्वारा इस सड़क को पूर्ण रूप से लापरवाही बरती जा रही है और घटिया निर्माण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने तो आरोप भी लगाए हैं कि इस सड़क में कहीं और बनना था, मगर ठेकेदार ने अपनी मर्जी से कहीं और बना दिया। जब हमारी टीम बाहुबली की पहुंची तो कवरेज करने के लिए तो सड़क बनाने वाले 48 घंटे के भीतर ही कई जगह से उखड़ी मिली। आलम यह है कि सड़क में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं, मगर ऐसे ठेकेदारों पर कार्रवाई कौन करे जो शासन को लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, ग्रामीणों की चिंता करते हुए अपनी जेबें भर रहे हैं। इस घटिया निर्माण के बारे में शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से पूछा गया तो उनका कहना है कि हम जांच कराएंगे, अगर कमी होगी तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी और दार को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ग्रामीण इंतजार में हैं कि कब उनके साथ न्याय होगा और कब सड़क कंप्लीट होगी। बेकार बन रहा साहब। कैसा बेकार? बेकार ऐसे बन रहा, कल परसों मिट भी बहुत मिटल ही लग गया, आगे बन रहा पीछे से मिटत जा रहा। अच्छा, कितने दिन होगा ऐसे बने हुए? अरे 4-5-6 दिन भाई बना था और वही मिटल लग गई, तो देखो जान के आ गई थे जैसा। हां अपना ठीक नहीं बन रहा, दरार चल रही है और का। अच्छा, धड़क रहा है क्या? हाँ धड़क रहा हो ना जी। कितने दिन पहले बनाया जी? 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले बना है तो मतलब किस तरीके का निर्माण हो रहा है जी, कैसा लग रहा है आपको? अब हमें बाय हम जाना तो नहीं, मन को अच्छो नहीं, अब हमारे हिसाब से जो वर कहीं बना था ना। हाँ वैसो नहीं। हाँ अच्छा, तो आप तो कैसा बन रहा है? वो तो बिल्कुल है कमजोर ही है, चटक रहा है और का चटक रहा। कब बनाए? कितने दिन हो गए? हो गया जाए 3-4 रोज। दिखा रहा हूँ आप भी जैसा बन रहा हूँ। दिखा तो रहा है फिर भी कैसा बन रहा है आप बताओ? अच्छा नहीं बन रहा था। कैसा अच्छा नहीं बन रहा? बहुत कम डाल रहे हैं, चटक रहा हो जाए चाहे जहाँ वो तो बता बाबा कल्याण देखो। अब भाई बनो खतरा हो बेकार। हाँ। तो ये बन कैसा रहा? अच्छा बन रहा है खराब बन रहा है? अरे अच्छा नहीं बन रहा साहब, अच्छा बन तो हम कहा गया सीखी थी। अच्छा हाँ खराब ही बन रहा है। एक तो हमसे गिट्टी ले लाई और गिट्टी को पैसा तक नहीं, तो आज तक हम। अच्छा हाँ कुआ गिट्टी उठा ली हमारी। नीमच से हमारे संवाददाता मंगल सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। मंदसौर नगर पालिका के अध्यक्ष और भाजपा के कद्दावर नेता प्रहलाद बुधवार को गुरुवार शाम अज्ञात बाइक सवार ने बीपीएल चौराहे पर जिला सहकारी बैंक के सामने 7:10 पर गोली मार दी। हमलावर बुलेट पर सवार थे और उन्हें इतनी करीबी से निशाना साधकर गोली मारी कि मौके पर सर पर लगी और उनकी मौत हो गई, पर हमलावर ने यह सोचा शायद अभी मौत नहीं हुई इसलिए दोबारा आए और 2 गोली फिर से उनके सीने में ठोक दी। फिलहाल मंदसौर में स्थिति तनावपूर्ण है। जानकारी के अनुसार नापा अध्यक्ष प्रहलाद बदनावर शाम 7 बजे जिला सहकारी बैंक के सामने खड़े थे, तभी बीपीएल चौराहे पर बुलेट पर सवार अकेले व्यक्ति ने पास आकर उनके सर पर गोली मार दी। कोई कुछ समझ पाए इससे पहले हमलावर वहां से भाग निकला। माना जा रहा है कि हत्यावार पेशेवर शार्प शूटर हो सकते हैं। श्री बदनावर की मौके पर ही मौत हो गई और चंद पलों में भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी सूचना लगते ही मौके पर पहुंची, सबको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी जंगल में आग की तरह फैल गई और चंद पलों में अस्पताल में श्री बदनावर के आवास पर घटना स्थल पर भीड़ लग गई। पुलिस लगातार भीड़ को छांटने के तमाम प्रयास कर रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगालने में लग गई है। पुलिस ने के अनुसार जिले सहित आसपास के जिलों को भी सील कर दिया गया है। संदिग्ध की धरपकड़ के सभी प्रयास संभव शुरू कर दिए गए हैं और जल्द ही धरपकड़ की जाएगी और आरोपी पकड़े जाएंगे।
नहीं, दोनों जगह जो गोलीकांड हुए हैं, मैंने भी आपको बताया है कि मैंने दोनों जगह बात की, इंदौर DIG से मेरी बात हुई है, उनने मुझे 2 दिन का टाइम दिया कि सर हम 2 दिन में ट्रेस कर लेंगे, जिनने भी जो गोली चलाई हम 2 दिन में उनको पकड़ लेंगे। और मंदसौर SP से भी मेरी बात हुई थी विद्यार्थी जी से, उन्होंने भी ये कहा कि आज रात में कार्रवाई करके हमने जिनने भी जो गोली चलाई उनको हम ट्रेस कर लेंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने हमारे नगरपालिका जो अध्यक्ष महोदय थे, उनकी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की है। आरोपियों की पतारसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। समूचे क्षेत्र में नाकाबंदी की गई है और कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। लगातार पूछताछ की जा रही है और जल्दी इसमें डिटेक्शन किया जाएगा। दतिया से हमारे संवाददाता राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। सभी वर्गों के कार्यकर्ताओं ने किया जातिगत आरक्षण का किया पुतला दहन। किला चौक मैदान पर सभी वर्गों के आर्थिक रूप से पिछड़े कार्यकर्ता इकट्ठा होकर जातिगत आधार पर आरक्षण के विरोध में जातिगत आरक्षण का पुतला फूंका। देश में चल रहे जातिगत आरक्षण पर विरोध पर पुतला फूंक कर अपने रोष और आंदोलन जारी रखने का प्रण लिया। आज विभिन्न जातिगत आरक्षण विरोधी संगठन एवं अन्य जैसे भी वर्ग के लोगों ने पुतला फूंकने के बाद जिला कलेक्टर, भारतीय संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था है जातीय आधार के अंतर्गत ये गलत है, हमने इसका पुरजोर विरोध किया है और आज सौगंध खाई है जातीय आरक्षण का पुतला दहन करने के बाद, कि हम ये संघर्ष जारी रहेंगे जब तक के आर्थिक आधार आरक्षण ना हो जाए, आरक्षण का आधार ना हो जाए, जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा इसके लिए जिस हद तक जरूरत पड़ी हम लोग आंदोलन करेंगे। खंडवा से हमारे संवाददाता अखिलेश ठाकुर की रिपोर्ट। खंडवा में 4,30,00,000 की लागत से बन रहा स्विमिंग पूल के लोहे का ढांचा गिरा, 30 मजदूर बाल बाल बचे। उपयंत्री को निलंबित किया और ठेकेदार को दिया नोटिस। खंडवा के सिविल लाइन क्षेत्र में 4,30,00,000 रुपए की लागत से बन रहे स्विमिंग पूल की छत का डोम अचानक गिर गई और मजदूर भोजन करने के लिए पुल से बाहर गए हुए थे, जिस कारण करीब 30 मजदूरों की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता था। घटना के बाद नगर निगम आयुक्त JJ जोशी ने इंजीनियर दिलीप सिंह माली को निलंबित किया और ठेकेदार फार्म सोहन लाल सेठी और कंसल्टेंट विनय त्रिपाठी को भी नोटिस जारी किया है। ट्रेस गिरने के बाद कुछ देर पहले संज्ञान में आया था कि निर्माणाधीन डोम जिस पर अभी आयरन का स्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा था वह स्विमिंग पूल का गिर चुका है। तत्काल हमने कमिश्नर नगर निगम को बताया है कि किन कारणों से या डिजाइन फॉल्ट के कारण गिरा है, तो उस पर वो रिपोर्ट देंगे और अब उसको सुधार के उसको फिर से